ये वाली भगवद्गीता देखी आपने? हाँ, इस्कॉन की भगवद्गीता। कई बार इसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं दोस्तों कि ये तो भाई भक्ति जबरदस्ती डाला गया है इसके अंदर। कर्म योग में भी भक्ति बताया गया, ज्ञान योग में भी भक्ति बताया गया, हर जगह भक्ति ही भक्ति बताई गई है। तो हमने सोचा क्यों ना किसी एक्सपर्ट स्कॉलर को बुलाया जाए जो कि भगवद्गीता में इनको महारत हासिल हो और उनके साथ हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करें। इसीलिए आज शिक्षार्थकम की टीम हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी के साथ इसके ऊपर एक पॉडकास्ट कर रही है। चैतन्य चरण प्रभु जी भगवद्गीता के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इस्कॉन के बहुत सीनियर मॉन्क हैं। करीब 25 सालों से ज़्यादा समय से वो भगवद्गीता को प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं, अथीज़म को समझना चाहते हैं, मेडिटेशन को समझना चाहते हैं, माइंडफुलनेस को समझना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देखिए एंड आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, अप्लाई करने को मिलेगा। सो वेलकम टू शिक्षार्थकम पॉडकास्ट। और आज हमारा शिक्षार्थकम के प्लेटफॉर्म पर आए हैं हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी, जो भी आप हमारे वीडियोस में देखते हैं कि हम भगवद्गीता से रिलेटेड आपको कुछ भी बताते हैं या कोई भी नया पर्सपेक्टिव देते हैं, वो प्रभु जी की बुक से, प्रभु जी के आर्टिकल से। शायद आप में से कई लोग जानते नहीं होंगे कि प्रभु जी ने करीब 30 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं भगवद्गीता के ऊपर बेस्ड, और प्रभुपाद जी की बुक्स के ऊपर बेस्ड। महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे वैदिक स्क्रिप्चर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करने की बात हो, चाहे करंट इश्यूज को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने की बात हो, वो हमेशा प्रभु जी के वीडियोस, उनके आर्टिकल्स हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो आज हमारे लिए प्रभु जी वेरी ऑनर एंड प्रिविलेज कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं एंड वी आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। सो थैंक यू प्रभु जी फॉर कमिंग हियर एंड ब्लेसिंग अस। इट्स माई प्लेजर, बड़ा आनंद हुआ यहाँ पे आके। कई सालों से देख रहा हूँ मैं कैसे आप जो भगवद्गीता का और शास्त्रों का जो ज्ञान है प्रसार कर रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रतिसाद भी आपको मिल रहा है। तो आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा में मैं थोड़ा सा योगदान कर सकता हूँ, ये मेरा भी भाग्य है। ऐसे कई बार जो प्रभुपाद जी की भगवद्गीता को कई बार अलग अलग स्कॉलर्स पढ़ते हैं, कई लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, बट कई लोग जो इसको थोड़ा क्रिटिसाइज करने के उनका ओपिनियन ऐसा होता है, तो वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी की जो भगवद्गीता है वो भक्ति सेंट्रिक है, जो नॉन डिवोशनल टॉपिक्स हैं उनका जो परपेट वो भी भक्ति रिलेटेड ही किया है प्रभुपाद जी ने। क्योंकि आप, मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भगवद्गीता के एक्सपर्ट हैं, आपने कई साल इसका डिटेल अध्ययन किया है। सो आपका क्या ऐसा ओपिनियन है प्रभु जी की, प्रभुपाद जी की भगवद्गीता को लेकर, कि भक्ति ओरिएंटेड और कुछ उसमें ऐसा आपका क्या ओपिनियन है, जानना चाहता था। देखो, प्रभुपाद जी की भगवद्गीता क्लियरली भक्ति ओरिएंटेड है, पर ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी की भगवद्गीता भक्ति ओरिएंटेड है, भगवद्गीता ही भक्ति ओरिएंटेड है। कैसे है कि अगर आप देख सकते हैं, भगवद्गीता का फर्स्ट चैप्टर से 18 चैप्टर तक है जी। और हम देखते हैं 1866 जो ये 1866 जो है 18वें अध्याय का छठा श्लोक, ये द लास्ट इंस्ट्रक्टिव वर्ड्स दैट कृष्णा स्पीक्स। इसके हमने फलश्रुति वगैरह आती है, पर इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कहते थे कि अभी गीता का शुरुआत जो होता है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, अर्जुन पूछते हैं धर्म के बारे में, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढचेतः, कि मेरा धर्म क्या है, सही कार्य क्या है मेरे लिए, ये बताओ मुझे। यहाँ पे धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब ड्यूटी है या राइट थिंग टू डू, सही कार्य क्या है। तो भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि आप सारे धर्मों का परित्याग करके क्या करो, माम एकम शरणम व्रज, आप केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो अभी इसका मतलब क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि हमने धर्म पे बड़ा विश्लेषण किया है अभी तक, और जो भी विश्लेषण किया है वह सब तुम भूल जाओ और परित्यज, माम एकम शरणम व्रज, आप केवल मेरी शरण में आ जाओ। और माम एकम शरणम व्रज ये क्लियरली भक्ति का ही उल्लेख करता है। तो अभी प्रभुपाद जी, अभी गीता का बहुत एक तरह से टेक्निकल फ्लो है, लोग दर्जनों सालों तक पढ़ते रहे गीता को, और उसका कैसे ये वर्स से ये सेक्शन क्या है, वो सेक्शन क्या है, उसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं हम। और अनेक कमेंटेटर्स ने, भाष्यकारों ने उस पर किया हुआ है। मतलब प्रभुपाद जी ने क्या किया है, जो भगवान कृष्ण ने पूरा थॉट फ्लो, विचार का प्रवाह लेके अंत में जो बताया है,
तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, जो कृष्ण ने अंत में बताया है वही हर जगह पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद इज गिविंग कृष्णास कंक्लूजन थ्रू आउट द गीता। जो कृष्ण ने अंत में बताया है वही प्रभुपाद जी पूरे गीता में बता रहे हैं। और ये जो प्रभुपाद जी कर रहे हैं, यह क्यों कर रहे हैं, वो उसके बारे में स्पष्ट बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवद गीता है वह उनका उद्देश्य है कि गीता का जो सार है वो लोग समझ सके, एक पेज भी पढ़े उसको वो समझ सके। तो अभी कोई गीता में छठे अध्याय में पढ़ेगा, मान लीजिए कि चुचो उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिर्म आसनवात्मना, आप जंगल में जाओ और जंगल में जाके तपस्या करो, और वह पढ़ेगा और सोचेगा अरे ये तो क्या मेरे लिए प्रैक्टिकल है, कर नहीं सकता है गीता, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं, बोल के छोड़ सकता है। या कोई बोलेगा सही में जंगल में चला जाएगा, अभी जंगल में जाएगा तो आजकल ज़्यादा जंगल ही नहीं है, जंगल में जाएगा तो जंगल में शांति नहीं है, जंगल जंगल में जाके लोग ध्यान भी कर पाएगी नहीं पता नहीं। तो क्या है, जो भगवद गीता में अलग अलग मार्ग ज़रूर बताए गए हैं, पर जो अलग अलग मार्ग है वो आजकल के समाज में किस हद तक प्रैक्टिकल है यह समझना, यह उसके उसमें विवाद हो सकता है। मच ऑफ इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। अभी योगा प्रैक्टिकल, योगा बहुत पॉपुलर है आजकल समाज में, पर ये योगा जो कर रहे हैं विश्व भर में वो लोग सेहत के लिए कर रहे हैं, वो आध्यात्म के लिए नहीं कर रहे। थोड़ा उससे मन शांति हो सकता है पर आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं कर रहे वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो गीता के अंत में बताया है वही थ्रू आउट बता रहे, ताकि दैट इज़ आउट ऑफ हिज कंपैशन। अभी जो मतलब कोई भी ऐसे मार्ग में ना जाए जो वो प्रैक्टिकल ना कर, प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा और उससे वो गीता छोड़ देगा। और कोई कह सकता है कि पर कृष्ण जो बता रहे वो आप क्यों नहीं बता रहे हो, पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी को सिर्फ भक्ति का ही संदेश देना था तो कई गीता कॉमेंटेटर्स ने ऐसे किया है कि उन्हें संस्कृत श्लोक दिया ही नहीं है, वो सिर्फ उनका ट्रांसलेशन देते, उनकी कॉमेंट्री देते। पर प्रभुपाद जी ने क्या है, संस्कृत दिया है, संस्कृत भी दो भाषाओं में, संस्कृत देवनागरी में लिखा हुआ है उन्होंने और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में उन्होंने शब्दशः भाषा अंतर भी दिया है, सिनोनिम्स दिया है। तो प्रभुपाद जो कर रहे हैं उसको हाइड नहीं कर रहे वो, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह गीता बता रही है और यह मैं इस तरह समझा रहा हूँ। तो प्रभुपाद इज नॉट hiding Krishna's words, तो rather what is hidden at the end of the Gita, Prabhupada is bringing throughout the Gita, ताकि लोगों को आसान आसानी समझ सके। ना प्रभुपाद जी को खुद पूछा गया था कि भविष्य में आप और कौन सी किताब लिखनी चाहते हो, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवद गीता लिखना चाहते हो, आपने ऑलरेडी लिखी है। प्रभुपाद जी भगवद गीता बहुत गूढ़ है, अलग अलग भाष्यकारों ने उस पर भाष्य दिया है, तो शायद प्रभुपाद जी ने ही वापस अगर उनको समय होता हुआ भगवद गीता लिखते तो भगवद गीता का जो टेक्निकलिटी है उसको भी एनालाइज करते थे प्रभुपाद जी। पर पॉइंट यह है कि प्रभुपाद जी जो कर रहे हैं कृष्ण के ही कंक्लूडिंग संदेश को थ्रू आउट दे रहे हैं, और जो कृष्ण का जो टेक्निकल फ्लो है उसको वो हाइड नहीं कर रहे हैं। और तो प्रभुपाद इज मेकिंग अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, वो एक पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं, और वह अगर कोई केयरफुली पढ़ता है तो एक तरह से सवाल आएगा कि ऐसे क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कर्मयोग बता रहे हैं और प्रभुपाद जी संस्कृत में उसको कर्मयोग, प्रभुपाद संस्कृत नहीं चेंज कर दे, कर्मयोग को कर्मयोग ही रखते हैं, फिर बीच में भक्तियों के बारे में बता रहे हैं, तो लोग सोचेंगे ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद वॉन्ट्स अस टू थिंक, हमें विचार करने पर एक तरह से प्रभुपाद मजबूर करते हैं, और फिर जब विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं। तो क्या ये भक्ति सेंट्रिक है, ज़रूर है, पर भगवद गीता ही भक्ति कंक्लूसिव है, और वह भक्ति कंक्लूजन प्रभुपाद जी कंसिस्टेंटली दे रहे हैं। थैंक यू ब्रजी, ये बड़ा ही मिस कर, वो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है तो कई लोग वीडियोस बना बना के बताते हैं कि इस्कॉन की भगवद गीता ये ऐसी है, तो ये आपने जो बताया आई होप कि इससे बहुत बड़ा जो डाउट है एटलीस्ट डिवोटीज के माइंड में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये क्लियर होगा, नाउ दे कैन आंसर ऑल्सो दिस। एक टर्म प्रो जी मेरे दिमाग में बार बार डाउट आ रहा है, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, फिलॉसफी, और कई बार हम ऐसा यूज़ करते हैं धर्मा, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन धर्मा, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, बिकॉज ये तीनों चीज़ें
नॉर्मली यूज़ की जाती हैं और हमें लगता है कि एक ही पर्पस है या एक ही मीनिंग है, तो कई बार लोग कन्फ्यूज भी होते हैं रिलीजन एंड धर्म बोथ आर डिफरेंट थिंग और वन थिंग, और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है। सो अगर आप बता सकें कि स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड धर्म उसका क्या मतलब है या एक है, तो इससे बड़ा। तो अभी क्या है कि अलग अलग संदर्भों में शब्दों के भी अर्थ अलग अलग हो सकते हैं जी। तो अभी धर्म जो है आजकल के समाज में उसको जो हम मज़हब कह सकते हैं, रिलीजन जिस अर्थ में उसमें यूज़ करते हैं, अभी भगवद गीता में इस अर्थ से धर्म का इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल। एक है इंडिविजुअल ड्यूटी के रूप में किया गया है, अर्जुन पूछे मेरा कर्तव्य क्या है, फिर दूसरा है सोशल ऑर्डर के रूप में किया गया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगी। भगवान जब कहते तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं हिंदुज़म इस्टैब्लिश करने वाला, मैं धर्म मतलब क्या है, एक सोशल ऑर्डर जो मतलब दुष्कृतियों को निकालना है, सुकृतियों को शक्ति देना है जी। फिर धर्म का एक और अर्थ है इनेट नेचर, कि जो किसी चीज़ का अंतरंग स्वभाव है उसको भी धर्म कहते हैं, वो धर्म के जो धातु ध्रुव उससे आता है, जो किसी चीज़ को संभाल के रखता है जी। वो उस चीज़ को वो चीज़ बनाए रखता है, जैसे कहते हैं कि शुगर जो है उसका धर्म जो है स्वीटनेस है, तो उस तरह से हर एक चीज़ का एक अंतरंग इनेट कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो धर्म के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, और आजकल जब लोग रिलीजन ये बोलते हैं तो वो मतलब वन ऑफ द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, मैनी रिलीजन्स, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उस तरह से बोलते हैं वो। तो दिस जो है स्पिरिचुअलिटी जब लोग बोलते हैं तो स्पिरिचुअलिटी मतलब वो क्या, उन ज़्यादा तो मन विचारता है कि इट इज़ मोर अ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि मैं यहाँ पे गया, मुझे ये कार्य किया, मैंने मेडिटेशन किया, मुझे अच्छा लगा, सनराइज देखा मुझे अच्छा लगा, उसमें एक्सपीरियंस होते हैं। और उसमें एक और चीज़ होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे और मीनिंग आ जाए, मेरा जीवन और अर्थपूर्ण बने, मैं थोड़ा और कंपैशनेट हो जाऊँ, मैं लोगों के भावनाओं का और संवेदनशील बन जाऊँ, मैं थोड़ा और सेल्फ कंट्रोल हो जाऊँ, थोड़ा जीवन में आप ऊपर नीचे होते रहता है उससे मैं ऊपर नीचे न जाऊँ, सेल्फ ग्रोथ पर्सनल ग्रोथ जो कहते हैं वो लोग चाहते हैं। तो अभी ये जो है तीन टर्म्स का अर्थ है। तो धर्म जो है, जो भविता में बताया गया है, धर्म डेफिनेटली क्या है, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव है वो। अगर कोई धर्म का पालन करता है तो उसके वह जहाँ पे है वहाँ पे और अच्छे तरह से रह पाएगा और फिर उससे वह आगे भी बढ़ पाएगा। तो मतलब कोई अपने परिवार में कोई गृहस्थ है तो अपने गृहस्थ धर्म पालन करता है तो उससे गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा, पर उससे उसकी चेतना भी और विकसित होगी और फिर अगले जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो आगे है उसके लिए और परिपक्व होते जाएगा वो जी। तो धर्म इज़ इन दैट सेंस ट्रांसफॉर्मेटिव, धर्म इज़ मच मोर क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी देन रिलीजन। ये कह सकते हैं कि धर्म इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ टू लिव एंड दोज प्रिंसिपल्स हेल्प अस टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्स। पर क्या इसका मतलब, ये धर्म जो है इरिलीजियस ऐसे नहीं है, पर मतलब धर्म जो है वह ऐसे नहीं है कि उसमें कोई रीति रिवाज नहीं है, कुछ नियम नहीं है, कुछ पद्धतियाँ नहीं हैं, ज़रूर है, पर वो पद्धतियाँ केवल करने के लिए नहीं है, वह एक तरह से वह व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए। मैं एक डायग्राम से बताता हूँ कि इसको अगर मान लीजिए ये एक पर्वत है, उसका पर्वत का ऊपर है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और पर्वत के नीचे है मटीरियल कॉन्शियसनेस, भौतिकवाद और आध्यात्मिकता। तो भौतिकवाद मतलब मुझे व्यक्ति भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है, वो आध्यात्मिक चेतना मतलब वो अंतरंग आनंद प्राप्त कर रहा है, भगवान आत्मा का साक्षात्कार कर रहा है, भगवान का साक्षात्कार कर रहा है। तो एक तरह से हर मानव के लिए यही जर्नी है कि हमें भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर जाना है और अभी ऐसे करने के लिए अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अलग अलग मार्ग जो है, these are different religions. तो religion का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य क्या है, religion जैसे बता सकते फॉर द टाइमिंग, धर्म का नहीं बोलते, religion का उद्देश्य क्या है, originally जो उद्देश्य है कि व्यक्ति को भगवान की ओर करीब ले जाए, आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाए।
स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, यह उसका उद्देश्य है. और इसके लिए अलग मार्ग हो सकते हैं, अलग धर्म, अलग रिलीजन्स हो सकते हैं. पर कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति लोग धर्म का, लेट्स पुट रिलीजन, रिलीजन का पालन करते हैं, वो खुद का एलिवेशन नहीं चाह रहे, खुद ऊपर नहीं बढ़ना चाहते हैं उतना, वो क्या करते हैं, ये पर्वत के नीचे वो घूमते रहते हैं. और क्या करते रहते हैं, जो भी कोई और मार्ग से जा रहा है उससे उसको खींच के अपने मार्ग की ओर लेके आने का प्रयास करते हैं. तो ये जो है, ये कन्वर्जन है. जो कन्वर्जन से क्या होता है, कोई व्यक्ति परिवर्तित नहीं होता है. कोई 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 हिंदू मटीरियलिस्ट होगा, वो क्रिश्चियन मटीरियलिस्ट बन जाएगा. वो उससे व्यक्ति का कोई उद्धार नहीं होता अधिकांश रूप से. तो ये रिलीजन का फ्लिप साइड है. क्योंकि रिलीजन क्या होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, पर अगर उसमें फिलॉसफी के बारे में पर्याप्त रूप से बताया नहीं गया है तो लोग रीति रिवाज करते हैं, वो क्यों कर रहे पता नहीं है. तो हम ये रिवाज कर, हमको अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं, ठीक है. और हम चाहते हैं कि और लोग भी अच्छा और करें. और क्यों करें, ताकि हमारी संख्या बढ़ जाए. तो तभी जो रिलीजन जो है वो सेंटिमेंटल हो सकता है, फैनाटिकल भी हो सकता है. तो अभी जो स्पिरिचुअलिटी जो है, तो अभी मैंने रिलीजन क्या है बताया, और फिर स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि जो भी चीज़ है व्यक्ति को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की ओर ले जाती है. तो उसमें रिलीजन एक चीज़ है. ओरिजिनली रिलीजन जो है, नियम जो है, रीति रिवाज है, वो व्यक्ति की चेतना को ऊपर बढ़ाते हैं. पर उसके लिए एक और चीज़ है, कि दूसरी है फिलॉसफी. एक है रिलीजन, कि फिलॉसफी से क्या होता है, एक तरह से आपको पर्वत के ऊपर जाना है तो शायद आपको प्रॉपर जूते चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, प्रॉपर कपड़े चाहिए. पर उसके साथ आपको एक मैप चाहिए कि ऊपर वहाँ पे कुछ अच्छा है जो मैं देखना चाहता हूँ, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वो फिलॉसफी देता है. तो अभी फिलॉसफी और रिलीजन, ये दोनों स्पिरिचुअलिटी के अंग हैं. और जो अभी धर्म का कंप्लीट, धर्म जो है, धर्म हमें क्या बताता है कि जहाँ पे हम हैं, धर्म का बेसिक एक अर्थ था कि हार्मनी. जैसे कई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो अभी व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो धर्म का एक अर्थ है कि हम सब, मुझसे बड़ा कुछ ऐसी चीज़ है, उसका मैं एक अंग हूँ. तो मैं एक परिवार में हूँ तो मेरा परिवार में एक धर्म है. जब गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी चलाने वाले मतलब क्या है, मैं रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्ट ले रहा हूँ, तो तभी मेरा एक धर्म है. धर्म बेसिकली उसको बोल सकते हैं कि आवर रोल एज अ पार्ट ऑफ अ होल बिगर देन आवर सेल्स. मेरी भूमिका जो मैं किसी और बड़ी चीज़ से मिलता हूँ उसके उसमें क्या है. तो जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में है, तो अभी भारत में हम एक साइड में गाड़ी चलाते हैं, अमेरिका में दूसरे अपोजिट साइड में गाड़ी चलाते हैं, पर दोनों का उद्देश्य क्या है कि जो ट्रैफिक अच्छी तरह से चल सके. हम तो वैसे धर्म के स्पेसिफिक नियम अलग अलग हो सकते हैं, पर उसका उद्देश्य ये है कि हार्मनी. तो जहाँ पे हो वहाँ पे हार्मनी हो, जहाँ पे जाना है वहाँ पे भी अच्छे से जा सके. तो धर्म का दोनों चीज़ें होती हैं, कि आप यहाँ पे जब इस जगत में जी रहे हैं अच्छी तरह से जियो, और इस जगत से अपनी चेतना बढ़ के आगे बढ़ाओ. तो धर्म ये काफ़ी एक बड़ा टर्म है एक तरह से. तो इट कैन मीन रिलीजन, बट इट मीन्स मच मच मोर देन रिलीजन. एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आप पूछ सकता हूँ मुझे आपसे, आपके पर्सनल लाइफ से, कि मैं परमिशन चाहता हूँ इसका, कि जैसे मुझे कई बार मुझे ऐसा देखा जाता है कि लोग किसी को अगर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है तो भगवान को बहुत ब्लेम करते हैं, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दे गो इनटू इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और डिप्रेशन. पर हम जैसा देख रहे हैं मुझे कि आपको फिजिकली बॉडी लेवल पे कुछ चैलेंजेस हैं, बट फिर भी आप जो है चैलेंजेस को ओवरकम करके आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में. जैसे आपने इतनी बुक्स लिखी, मोर देन 30 बुक्स, यू आर रनिंग वेबसाइट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट गीता डेली, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू आर ट्रैवलिंग, इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल. सो जो एडवर्सिटी आपके लाइफ में थी, पर जिसको आपने अपॉर्चुनिटीज के रूप में कैसे
ट्रांसफॉर्म किया और क्या थॉट प्रोसेस करो जी आप एडवर्सिटी को कैसे देखा आपने जो नॉर्मली हम लोग नहीं देख पाते? एक्चुअली इसके बारे में मैंने कुछ नहीं किया, इसका श्रेय पूरा मेरे माँ को जाता है, माँ और पिता को। तो क्या हुआ, मैं जब एक साल का था तो तभी मैं चल रहा था और मैं गिर गया और वापस कभी नॉर्मली चल नहीं पाया, तो ये पोलियो हो गया था तभी जी। तो ये मुझे याद नहीं है पर ये माता पिता बताते हैं मुझे। तो पर मेरी पहली याद ये है कि कोई हमारे घर में आए थे, शायद रिश्तेदार थे या पड़ोसी थे, और वो मेरी माँ को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे कि बड़ा बुरा हो गया कि आपके बेटे को पोलियो हो गया है। तो मेरी माँ जवाब देती है कि ये मुझे याद है स्पष्ट रूप से कि वॉट एवर ही लैक्स फिजिकली गॉड विल प्रोवाइड हिम इंटेलेक्चुअली। जो शारीरिक स्तर, जो भी शारीरिक स्तर में उसमें कमी, उसमें कमी है, भगवान वो बौद्धिक स्तर पे उसको दे देंगे। तो तभी मैं सुना तो ये सोचा ये कौन व्यक्ति है भगवान, कैसे ये फैसला करते हैं, ये वो पहला सवाल था। पर उससे ज़्यादा जो मेरे मन में आया कि इंटेलेक्चुअली मेरे पास कुछ है। तो अभी मैं कितने साल का था मुझे याद नहीं, 2.5-3 साल का था तभी, शायद मैंने कुछ बौद्धिक कुछ किया था जिसे मेरे माँ को विश्वास था, पर जो मुझे पता नहीं। पर तब से आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ मच मोर विथ माई इंटेलेक्चुअल साइड, तब से मेरी बौद्धिक पहलू से मेरी पहचान थी ज़्यादा। तो मैं कुछ बाकी विद्यार्थी बाकी बच्चों जैसे खेलता खेल कूद ज़्यादा को नहीं करता था, पर मुझे किताबें पढ़ने में रुचि थी और पढ़ाई में अच्छा था मैं, और खासकर मुझे पढ़ने में आनंद आता था। तो अभी जब मुझे चलने के लिए क्रचेस यूज़ करने पड़ते हैं तो जो खोबड़िया है तो जब कोई मुझे देखता है तो सबसे पहले उनको वो क्रचेस दिखते हैं, पर मेरे लिए दे डोंट ऑक्यूपाई एनी मेंटल स्पेस एट ऑल, मेरे मन में उनके लिए कुछ जगह नहीं। जैसे मुझे अभी देखने के लिए ग्लासेस लगते हैं, अब ये ग्लासेस नहीं है तो स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता मैं जी। पर कहीं जाना है तो क्या है, सीधा चश्मा पहन लो और आगे चलो। तो वैसे मेरे कहीं जाना है क्रचेस उठाओ और आगे चलो। तो ये जो है, जो भी शरीर में कमी है उससे भगवान की कृपा से, मेरे माता पिता के परवरिश के द्वारा, उससे कुछ ज़्यादा मेंटल स्पेस उसने कभी लिया नहीं मेरे लिए, मन में ज़्यादा जगह नहीं ली है। और जब भगवीता का तत्वज्ञान मुझे पता चला तो उससे और फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि भगवीता का तत्वज्ञान से समझा कि हम जब इस जगत में आते हैं तो हम सबके पास कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पर भगवान कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, 1858 में कहते हैं कि अगर आप मेरी चेतना में आओगे तो मैं आपको सारी समस्याओं के परे ले जाऊंगा। तो समस्याएं तो सबके जीवन में होगी, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी फिज़िकल लिमिटेशंस है, जो फिज़िकल हैंडीकैप है, उससे एक्चुअली मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ तो व्हील चेयर सिस्टम मिल जाता है कि कहीं खड़ा हो तो बैठने को जगह दे देते हैं लोग, मैं कभी बैग कैरी कर रहा हूँ तो वो आ जाता है बैग कैरी करने के लिए। तो हर एक व्यक्ति को कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ लोगों को अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ लोगों का IQ लो होता है, कुछ लोगों को लगता है कि मेरा आई एम टू टॉल, आई एम टू शॉर्ट, आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, आई एम नॉट फ्लुएंट, सबका कोई ना कोई लिमिटेशन है। तो क्या है कि भगवद्गीता से खास करके जो भेंट मिलती है कि आवर आइडेंटिटी इज नॉट लिमिटेड बाय आवर बॉडी और आवर माइंड, कि हमारी पहचान हमारे शरीर और मन दोनों से परे है। तो शरीर में कुछ कमी हो सकती है जी। तो मेरे लिए पोलियो है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है जी। बट आवर आइडेंटिटी इज़ नॉट लिमिटेड बाय दैट। तो ये मेरे माँ ने मुझे प्रचार करके नहीं बताया, पर जो उन्होंने बताया उससे मुझे वो एक शिफ्ट करने का, जो चेतना शिफ्ट करने का मौका मिला है जी। तो व्हेन समबडी कोई मुझे पूछता है तो मैं कभी कभी भगवीता का सार जो है कुछ कोट्स में बनाने का प्रयास करता हूँ। तो वी कांट बी ग्रेटफुल फॉर ऑल सिचुएशंस, क्योंकि बुरी चीज़ें होते हैं हमारे जीवन में और उसके लिए कृतज्ञ होना मुश्किल होता है yeah. कभी कभी नाम की होता है। वी कांट बी ग्रेटफुल फॉर ऑल सिचुएशंस बट वी कैन बी ग्रेटफुल इन ऑल सिचुएशंस। इस परिस्थिति के लिए मैं कृतज्ञ नहीं हुआ पर इस परिस्थिति में भी मैं कृतज्ञ रह सकता हूँ, क्योंकि इस परिस्थिति में एक बुरी चीज़ है पर उसके अलावा कई अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जो हमारे चेतना का विकास होता है, तो मान लीजिए ये कोई विपत्ति आ गई हमारे जीवन में, ये एडवर्सिटी है, तो अभी उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसके लिए कृतज्ञ होना लगभग नामुमकिन है।
हम कह सकते हैं रहो, पर वो एक तरह से उस व्यक्ति में क्रूरता होगी। पर क्या हो सकता है कि अगर हमारी चेतना और बढ़ जाती है, अगर हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है, मतलब क्या है, हम उस विपत्ति से खुद को पहचान नहीं कर रहे, हमारी पहचान उससे बड़ी है, तो फिर क्या होता है, वी कैन बी ग्रेटफुल इन ऑल सिचुएशंस। ठीक है, मुझे शरीर के पर कुछ कमी है, पर भगवान ने और बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए जो हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है कि आई कैन लुक एट व्हाट आई हैव और आई कैन लुक एट व्हाट आई डोंट हैव। तो हमारे पास सब कुछ कुछ कमियां हैं, पर सबके पास भी कुछ भेंट है, तो अगर वो भेंट देखते हैं तो फिर उससे हमें प्रेरणा मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ब्रजी आपने बताया कि एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, तो एक मतलब क्वेश्चन से आता है कि मतलब नॉर्मल पर्सन को ये पता नहीं होता कि चेतना का विकास कैसे करें, क्या करें, सो आपके हिसाब से हाउ टू एक्सपैंड ओवर कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द इजी वे टू एक्सपेंडिंग ओवर कॉन्शियसनेस, चेतना का विकास कैसे करें? देखो, चेतना का विकास अगर हमें करना है तो दो तीन चीज़ें हैं। एक है, सबसे पहले हम इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे है कि जो भी परिस्थिति है हमारे जीवन में, उसको कई बार हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव ओनली वन चॉइस देन कि इधर आई कैन रिजेंट द सिचुएशन कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, और वी कैन रीडायरेक्ट आवर अटेंशन। तो रिजेंट और रीडायरेक्ट, यही दो चॉइसेस हैं। और कोई कह सकता है ऐसी परिस्थिति मुझ में, मैं कुछ रिडायरेक्ट कर ही नहीं सकता, हर तरह से मैं विवश हूँ, मैं तो नॉट रियली। कोई ऐसे बोलता है तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, आपकी बड़ी बहुत बुरी परिस्थिति है, क्या आप बुरी परिस्थिति को और बुरा बना सकते हो? मतलब पागल हो गए हो क्या, बुरी परिस्थिति और बुरा कौन बनाने वाला है, किस क्यों बनाना चाहिए? बोले नहीं, बनाना नहीं चाहिए, पर क्या आप बना सकते हो? कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, हम कभी वो शक्ति नहीं खोते कि बुरी परिस्थिति को और बुरा बना सके। सो इफ़ वी कैन मेक थिंग्स वर्स, देन वी कैन मेक थिंग्स बेटर ऑल्सो, वी आर नॉट पावरलेस। तो जो भी परिस्थिति में है, तो ओके ठीक है, थोड़ा सा रिडायरेक्ट कर सकते हैं अटेंशन को। और ख़ास करके जब मैंने श्री प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ा, कैसे देखा कि वो अकेले 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे, और जब उनको हार्ट अटैक हुआ था, तब भी उस जो लीलामृत पढ़ा, उसके पहले ही मेरे एक रिश्ते, मैंने 96 में पढ़ा था वो, उसके पहले मेरे एक रिश्तेदार हार्ट अटैक से वो उनको हुआ था, वो रिकवर हुए थे, पर तभी मैं देखा था कैसे कि हार्ट अटैक के बाद व्यक्ति पर क्या परिणाम होता है, कितना वो न केवल एक तरह से तभी बीमार होते हैं, तभी वीक होते हैं, पर कॉन्फिडेंस चला जाता है, वापस कभी हार्ट अटैक है तो क्या होगा मुझे। तो फिर तभी प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुँचे, तो वो ये प्रार्थना ही कर रहे हैं कि अच्छा डॉक्टर होगा, मुझे अच्छे मेडिसिन मिल जाएगी, अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो कह रहे बोलो कृपा कोयले कृष्ण, हे कृष्ण आपने मुझे बहुत कृपा की है। तो क्या कृपा है इसमें, वो अकेले है, पैसा नहीं है, कोई कोई संस्था नहीं है, कोई फॉलोअर्स नहीं है, कॉन्टैक्ट भी कैसा है, वो चलने होने वाले पता नहीं है कुछ। तो प्रभुपाद जी क्या देख रहे थे, कम से कम मुझे एक मौका मिला है। अभी मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, अभी पूरे जीवन भर कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया है, पर जीवन के अंत में मुझे मौका तो मिला है। तो अभी क्या है कि एक है अपॉर्चुनिटी, मौका, और दूसरा है फैसिलिटी, सुविधा। तो अभी प्रभुपाद जी जो थे वो इसके लिए कृतज्ञ थे कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है, और वो कह देख सकते थे कि अरे मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, और उससे ही कुड हैव फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ। तो इसीलिए एक है हमारा बुद्धि का इस्तेमाल करना, और दूसरा है हमारा एसोसिएशन, कि अभी एसोसिएशन हम डायरेक्टली लोगों से मिल सकते हैं, पर ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं हम कि जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी उसका सामना किया है, उससे वो और आगे बढ़े हैं। आई थिंक ये कॉन्शियसनेस का एक्सपैंड करने के लिए प्राइमरी इंटरनली जो हमारी बुद्धि है, बाहर जो एसोसिएशन। वंडरफुल ब्रजी, आपने जो पर्सपेक्टिव बताया कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली बाय एसोसिएशन, दैट इज़ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड आई होप कि इसको सुनने के बाद लोगों को एक नया ही पर्सपेक्टिव मिलेगा।
एक क्वेश्चन जी मैं माइंडफुलनेस से पूछना चाहता हूँ, जो आपने अभी एक्सप्लेन किया माइंडफुलनेस, बिकॉज इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग इन इंडिया ऑल्सो, मेनी पीपल आर फॉलोइंग माइंडफुलनेस। जैसे भाई ऐसा ट्रेंड देखा गया कि कई सारे जो अथीस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते, फॉर एग्जाम्पल सैम हैरिस का नाम बहुत चलता है, तो ही ऑल्सो टीच माइंडफुलनेस ऑल दो दे डोंट बिलीव इन गॉड। और ऐसे कई सारे माइंडफुलनेस सिखाने वाली कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल हेड स्पेस एंड काम, कई एप्स हैं, दे आर बिलियन डॉलर्स कंपनीज जो माइंडफुलनेस सिखा के पैसा कमा रही हैं। तो एक्चुअली जैसा आप बता रहे थे कि भगवद्गीता एंड पतंजलि योग सूत्र आर द टू प्राइम स्क्रिप्चर्स फॉर योगा एंड मेडिटेशन, सो ये माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमारे स्क्रिप्चर से निकला प्रोजी, फिर भी हम देखते हैं कि आज की डेट में इसका क्रेडिट स्क्रिप्चर्स को नहीं मिल रहा, और बुद्धिज्म समाउ इट्स लीडिंग कि माइंडफुलनेस वहाँ से आ रहा है। सो वेयर इज द कहाँ कमी कहाँ रह गई प्रोजी की जिसकी वजह से ये नॉलेज हमारे स्क्रिप्चर से निकल रहा है, फिर भी हमारे यहाँ पर ऐसी बिलियन डॉलर्स की कंपनी नहीं है जो माइंडफुलनेस सिखा के बिलियन डॉलर कंपनी चला रही, कोई इंडिया ऐसा नहीं कर रहा, और वेस्टर्नर्स इसमें कामयाब हो रहे हैं माइंडफुलनेस सिखा के, ऑल दो दे डोंट बिलीव इन गॉड दे आर एथीस्ट। सो कहाँ कमी रह गई हमारे यहाँ पर कि हम चूक गए, हमारा नॉलेज बाहर के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, और हमारे यहाँ क्रेज कम हो गया, हमारे यहाँ लोग डाउट कर रहे हैं मेडिटेशन के नाम पर, बट बाहर वाले लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक तरह से जो है कि सनातन धर्म देखते तो कोई बाहर वाला नहीं है, सब अगर कोई सनातन धर्म का एक ही उद्देश्य है कि लोगों का चेतना ऊपर उठाए जी। तो अगर कोई भी माध्यम से अगर लोग थोड़ी चेतना ऊपर उठ रही है जी। तो अगर कोई नास्तिक भी है जी। अगर वो नास्तिक थोड़ा सत्वगुण में आ रहा है जी। तो एक तरह से विश्व के लिए अच्छा है वो जी। तो देखो भगवद्गीता में दो प्रकार से विश्लेषण हुआ है, एक है कि तीन गुणों के दृष्टि से सत्व रजस तमस, और एक तरह से भगवान बताते हैं कि अगर आप तमस से रजस और सत्व की ओर जा रहे तो ये भी अच्छा है। और दूसरा है आप कह सकते हैं डिवोशनल और नॉन डिवोशनल, भक्ति और अभक्ति, आध्यात्म या बिना आध्यात्म का भौतिकवाद। तो दोनों पहलुओं से भगवद्गीता विश्लेषण करती है। और अभी अगर कोई नास्तिक भी हो जी। भले ही उसके जीवन में वो थोड़ा माइंडफुलनेस या मेडिटेशन कर लेता है, तो उससे अगर उसकी चेतना बढ़ रही है ऊपर उठ रही है तो एक तरह से अच्छा ही है वो। पर उसमें समस्या क्या है कि अगर वो सोचता है कि इतना ही है और उसके अलावा और कुछ है नहीं, भगवद्गीता में ना अन्यद अस्ति इति वादिनः कि यही कंक्लूजन है जी। तो क्या है कि एक्चुअली आध्यात्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, पर कोई इस तरह से आप मेडिटेशन कर लेते हो आपका मन शांत हो जाता है, इसलिए आप कर लीजिए। वो लोग कहते हैं कि ओके गॉड रिलीजन स्पिरिचुअलिटी दीज आर ऑल यूजफुल इल्यूजन्स, ये मोह है पर ये उपयोगी मोह है जी। तो अभी इस तरह से एक तरह से देखें तो ये न के न प्रकार मन कृष्ण निवेशित। तो अभी कई बार होता है आप भाषा देशों में देखते हैं, मैं जब खासकर कीर्तन होता है जी। कीर्तन के लिए कई लोग आते हैं, मैं सैन डिएगो में एक सीख रहा था, वहाँ पे बताया था एक मैं कीर्तन हुआ, फिर मैंने क्लास दिया, उसको बोला कि एक आदमी आया बोला कि यू नो I loved the kirtan, I liked your class also, I'm an atheist. तो मैं नास्तिक हूँ तो क्या है वो उनको बौद्धिक स्तर पे कुछ सोच विचार करने को मिलता है और फिर कुछ अनुभव करने को मिलता है तो अच्छा है। तो क्या है कि कई बार मैं लिखता हूँ, लेक्चर देता हूँ, टॉपिक उससे गॉड डज नॉट बिलीव इन एथीस्ट्स। तो साधारण हम कहते हैं कि हम एथीस्ट डोंट बिलीव इन गॉड, पर हमारी दृष्टि से क्या है कि हर व्यक्ति एक आत्मा है, आत्मा के आजू में मन है, उसके बाजू में शरीर है, तो सोल माइंड बॉडी। और जो एथीज़म जो है ये केवल एक मन में के एक धारणा है, पर जब भगवान देखते हैं भगवान वो नास्तिकता के परे देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, भगवान आत्मा के उद्धार का प्रयास करते हैं जी। तो कोई नास्तिक भी अगर योग करता है, माइंडफुलनेस करता है, मेडिटेशन करता है, अच्छा ही एक तरह से, ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेशित, किसी भी तरह से आध्यात्म की ओर भगवान की ओर मन जाएगा अच्छा है वो।
पर या लेट मी कंप्लीट दिस पॉइंट, पर अगर वो कहता है कि इतना ही है तो तभी समस्या आ सकती है, मतलब दिस इज यूजफुल इल्यूजन, देयर इज नथिंग मोर टू इट, ये केवल एक उपयोगी मोह है. तो हमें क्या करना है कि जहाँ तक हो सके कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच अवॉइड करना है कि ये गलत है ये सही है, नहीं इसको आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसको और एक्सप्लोर करो. अच्छा आपको अभी तक लग रहा था कि ये सिर्फ इल्यूजन है, लेकिन कम से कम आपको लग रहा है यूजफुल इल्यूजन है, यार बाद में आपको लग यूजफुल है और इल्यूजन को आप कैंसिल कर दोगे. तो ऐसे भी हो सकता है. ना ना स्पेसिफिकली अभी यू वांटेड टू आस्क समथिंग, आपका सवाल सेकंड पार्ट था, मैं उसका जवाब देना था, पर यू कैन आस्क समथिंग नाउ. जी लो जी, अगर हम ऐसा इसके हिसाब से अगर कंक्लूड करें कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आई एम एन एथीस्ट बट मेरा करेक्टर अच्छा है, आई एम वेरी मोरल और मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम ए लॉ फॉलोइंग पर्सन, सो आपके हिसाब से ये सही है बीइंग एन एथीस्ट इज गुड और एवरी पर्सन शुड हैव गॉड इन हिज लाइफ? देखो अगर हम कह सकते हैं कि वी कैन हैव फोर क्वाड्रेंट्स, यू नो मोरालिटी, नैतिकता जी, और थीज़म, भगवान में विश्वास, उसको भक्ति आ सकती है एंड में जी. तो यू कुड से अगर कोई अनैतिक है और नास्तिक है तो ये कहते हैं सबसे वर्स्ट है एक तरह से, क्यों क्या है कि वह व्यक्ति अंतिम कुछ उद्देश्य प्राप्त नहीं करने वाला है और इस जगत में भी वो ऐसे जैसे इस तरह से जी रहा है कि दूसरों का नुकसान नहीं करने वाला है. सो कैन से इमीडिएट एंड अल्टीमेट हार्म, दोनों तरह से वो खुद को दोनों से विनाशकारक है. अगर कोई अभी मॉरल है पर एथीस्ट है वो जी, तो एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर इसका विश्लेषण करते चाहते शिक्षामृत में, तो अभी वो ये जो है दिस इज़ डेफिनेटली बेटर, क्योंकि वो कम से कम इस जग में तो भी वो विनाश नहीं कर रहा है जी. तो इसकी तुलना अगर हम, कई बार क्या होता है वी कंपेयर एवरी हर चीज़ की तुलना हम सर्वोच्च चीज़ से करते हैं, बट वो सर्वोच्च चीज़ से तुलना करने से ठीक है वो इतना अच्छा नहीं है, बट अगर आप देख सकते हैं कोई जो इमोरल थीस्ट है जो अनैतिक है और वो भगवान को मानता है तो ये एक्चुअली इज इट बेटर और वर्स डिपेंड्स. कई बार हो सकता है वो कि वो अभी अनैतिक है पर वो अगर भगवान की पूजा करता है भक्ति करता है तो उससे शायद वो धीरे धीरे हो सकता है. ये एक संभावना है, पर दूसरी ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति वो क्योंकि मैं खुद को धार्मिक मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, इसलिए वो अनैतिक ही बना रहेगा और वैसे रहेगा. तो इसका एक्सट्री इसका जो होता है इससे ही एक्सट्रीमिज्म भी आ सकता है, फैनाटिसिज्म आ सकता है. तो इसलिए एक तरह से देखें तो इस जगत की दृष्टि से जिस तरह से व्यक्ति जी रहा है तो उससे जो है अनैतिक सॉरी नैतिक आस्तिक जो है वो अच्छा है, बेटर देन ऑल द टू कैटेगरीज. पर ये क्या है अगर वो नैतिक है और आस्तिक भी है तो दिस इज़ द बेस्ट, कैसे इमीडिएट और अल्टीमेट. तो एक तरह से देखना है, पर एक और पॉइंट मैं बोलूँगा कि अभी इसमें जो है जब व्यक्ति को नैतिक है पर आस्तिक नहीं है तो देयर मोरालिटी is not due to their atheism, it is in spite of their atheism. Correct. कि नास्तिकता से कोई व्यक्ति नैतिक नहीं बनेगा क्योंकि नास्तिकता में मतलब क्या है कि नैतिक बनने की ज़रूरत क्या है क्योंकि अगर कोई नास्तिक है व्यक्ति है तो मतलब जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य तो है नहीं, तो यहीं पे हमें भोग करना है, यहीं पे हमको यश प्राप्त करना है, यहाँ पे ख्याति प्राप्त करनी है, तो फिर उसको बाउंड्रीज रखने की ज़रूरत क्या है, ये नैतिकता का पालन करने की ज़रूरत क्या है. तो सो जो मोरालिटी अगर एथीस में आती है तो वो शायद उनके पूर्व जन्म के कर्म क्या आ सकती है या उनकी जो परवरिश जिस तरह से हुई है उससे आती है, तो उनकी सो देर इज़ नथिंग इन एथीज़म टू सस्टेन मोरालिटी. कोई कहेगा कि नहीं ये एक जगत है हमारा, यही एक जगत है, इसको हमको देखभाल करनी चाहिए, इसलिए हमको एनवायरमेंटल कॉन्शियस रह गए, हमको दूसरे मानवों के साथ रहना है, इसीलिए हमको ऑनेस्ट रहना चाहिए, कह सकता है कोई प्रैक्टिकल दृष्टि से कह सकता है ऐसे. पर ये दुनिया में बहुत कंपटीशन होता है और
टू गेट अहेड, आगे जाना है, तो फिर लोग संघर्ष करते हैं और फिर एथिकल कॉर्नर्स वो कट करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं. हम देखते हैं कि जो एथीज़म का जो गवर्नमेंट था वो यूएसएसआर और चाइना में था, और क्या परिणाम हुआ, जब मास स्तर पे एथीज़म ट्राई हुआ तो 100 मिलियन पीपल वर किल्ड, और बिना किसी वॉर के. सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इतना विध्वंस हुआ, उससे ज़्यादा विध्वंस केवल जब नास्तिकवाद में क्या हो गया कि जो सरकार थी, जो सरकार के लोग थे, दे हैड नो फियर ऑफ गॉड. कहते हैं कि अ पर्सन हु हैज़ नो फियर ऑफ गॉड इज़ अ पर्सन हु शुड बी फियर द मोस्ट. जिस पे भगवान का भय नहीं है उस व्यक्ति को आप भय करो. जी जी. क्योंकि क्या है, उसको कोई सीमाएं नहीं है, जो उसको करना है वो करेगा. तो जो भी उन्होंने सोचा कि ये राष्ट्र स्टेट के खिलाफ है उसको मार दिया. तो जो है इसीलिए वी डोंट, हमको ऐसे नहीं कहना कि नास्तिक लोग सब बुरे ही होते. कई नास्तिक लोग अच्छे हो सकते हैं, कई धार्मिक लोगों से भी नास्तिक लोग अच्छे हो सकते हैं. जी. पर उनकी अच्छाई उनकी नास्तिकता के कारण नहीं आ रही, उनकी नास्तिकता के बावजूद आ रही है. जी. ये जो आपने प्रोजी बताया अभी यूएसएसआर एंड चाइना में 100 मिलियन लोग स्लॉटर्ड हुए बाय इन अ वॉर, तो विदाउट वॉर, विदाउट वॉर सरकार ने मार दिया. तो कई लोग ऐसा भी जो लॉजिक देते हैं कि धर्मों की वजह से लड़ाई होती है, तो ये इट इज, तो इसे रिफ्यूट होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्मों की वजह से लड़ाई हो रही. ऑफ कोर्स देयर इज वॉर ड्यू टू रिलीजन, बट विदाउट रिलीजन देयर इज आल्सो मच बिगर वॉर. हां, इसलिए क्या है कि देखिए भगवद गीता का जो पर्सपेक्टिव, दूसरा पर्सपेक्टिव सत्व रजोगुण, ये महत्वपूर्ण है. जी. क्यों, क्या है कि व्हेन, अगर आप सिर्फ ये कैटेगराइज करते हैं कि ये धार्मिक है ये अधार्मिक है, तो कभी कभी पाश्चात्य देश, अगर आप अमेरिका जाते हो तो लोग कहते हैं कि आप एशियन हो. एशियन, हाँ मैं एशियन है, पर कभी मैं सोचता नहीं हूँ मैं एशियन हूँ. ओके. एशिया में चाइना है, एशिया में पाकिस्तान है, एशिया में फिलीपींस है, एशिया में जापान है. तो इट्स लाइक एशियन इज अ टू बिग अ कैटेगरी टू बी यूजफुल. जी. सारे एशियंस में क्या सिमिलैरिटी है, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में है, कल्चरली कुछ ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है एक तरह से. यस यस. तो वैसे ही जब हम कहते हैं ना ये व्यक्ति रिलीजियस है, ये व्यक्ति आस्तिक है, ये एक तरह से बहुत बड़ी कैटेगरी होती है. पर भगवद गीता कहते हैं हमको, कोई व्यक्ति थीस्ट हो सकता है, पर क्या वो सात्विक है, क्या वो राजसिक है, क्या वो तामसिक है. तो एक तरह से ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, यह ऑपरेशनल चीज़ें हैं. मतलब किस तरह से व्यक्ति कार्य करता है वह देखना है. तो अगर कोई धार्मिक है और वो तामसिक है, तो तामसिक मतलब क्या, विध्वंस करता है, विध्वंस में उसको आनंद मिलता है, सारा बहुत ही नकारात्मक विचारधारा है. तो अगर कोई, अगर हम अभी आस्तिक लोग भी नास्तिक लोग भी इन तीन विभागों में हो सकते हैं. तो अगर कोई सात्विक नास्तिक है, सात्विक नास्तिक मतलब क्या है कि वो उसका जीवन शैली थोड़ा रेगुलेटेड है, वो हिंसा नहीं कर रहा है, वो पोलाइट है, कर्टियस है, तो कोई सात्विक नास्तिक इस जगत की दृष्टि से एक तामसिक आस्तिक से बहुत बड़ा है. जी. तो इसीलिए रिलीजियस नॉन रिलीजियस कैटेगराइजेशन इतना यूजफुल नहीं है. पूरा वो व्यक्ति की जीवन शैली क्या है, सात्विक है, राजसिक, तामसिक, ये देखना ज़रूरी है. जी. तो जो धर्म के नाम पर युद्ध होता है वह अधिकांश लोग जो राजसिक और तामसिक, जो राजसिक नेताएं हैं और तामसिक उनके उनके पब्लिक है, उनके फॉलोअर्स है, उसके कारण हिंसा होती है. That's why प्रभुपाद जी ने जो सोसाइटी बनाई उसमें लास्ट में कॉन्शियसनेस ऐड किया, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस. अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस इज अल्टीमेट थिंग व्हिच हैज टू बी मेजर्ड. प्रभुपाद जी के उच्चा देखिए, जहाँ से भी लोग हैं कि जितना ऊपर बढ़ते रहे. जी. सो दिस इज वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन प्रोजी, एंड इट्स वेरी न्यू, मुझे नया नया चीज़ आपसे सीखने को मिल रहा है प्रोजी, इट्स वेरी वंडरफुल थिंग. एक जैसे अगर एथिज्म की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है प्रोजी कि कई बार जब हम बात करते हैं एथीज़म की, तो जो लोग नास्तिक हैं, एथीज़म हैं, उनको बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि जो एथीस्ट है वो साइंटिफिक होगा, और जो भगवान को मानने वाला है, एथीस्टिक पर्सन है, वो फेथ को फॉलो करने वाला या ब्लाइंड फॉलोवर टाइप का है, ऐसा माना जाए. ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान को मानने वाला कोई कभी साइंटिफिक अप्रोच नहीं रख सकता, और जो भगवान को नहीं मानता वो पक्का साइंटिफिक आदमी है. तो इसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है जी, इसको कैसे हमें सोचना चाहिए, कैसे आंसर देना चाहिए? या सही है ये कि क्या होता है,
साइंस जो है इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद एथीज़म. आप वैज्ञानिक हो गए तो आप नास्तिक हो जाओगे. पर अगर हम देखते हैं विज्ञान का इतिहास तो हम देखते हैं कि आप न्यूटन देखो, गैलीलियो देखो, पास्कल देखो, जो भी साइंस के फाउंडर्स है वो दे ऑल एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. पर जैसे विज्ञान बढ़ते गया तो विज्ञान की शक्ति बढ़ती गई, तो वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस की ओर जाने लग गया. कि कैसे है, ओरिजिनली क्या था आइडिया था कि गॉड इज़, जो थीज़म कहते हैं उसमें दो चीज़ें हैं, गॉड इज़ द क्रिएटर, भगवान सृष्टि करता है, और भगवान कंट्रोलर है, नियंत्रक है जी. तो उसके बाद में कुछ समय के बाद जो थियरी आ गई उसको डीइज़म कहते हैं. डीइज़म मतलब कि ये जो विश्व जो है वो बिग बैंग से आया, उत्क्रांति से आया, वो सब आता है, और गॉड इज़ नॉट द कंट्रोलर, ही इज़ द क्रिएटर. अभी कंट्रोल कैसे हो रहा है, कंट्रोल निसर्ग के नियम से हो रहा है, जो ग्रेविटी के अनुसार जो प्लैनेट चल रहे हैं, सारे थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस बाकी सब हो रहा है जी. तो सिर्फ नियमों को माने जाएगा. बाद में उसके बाद में एथीज़म आ गया कि भगवान की ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्रिएटर भी नहीं, कंट्रोलर भी नहीं जी. इस तरह से हो गया. तो ये जो है ये दिस इज कम फ्रॉम अ मिसकंसेप्शन. ये गलत धारणा क्या है कि विज्ञान और भगवान या अध्यात्म ये जो है वही चीज़ का एक्सप्लेनेशन अलग अलग स्तर पे देते हैं. अभी मान लीजिए अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं तो आपको ठंडी लगने लग गई. तो अभी आपको अगर ठंडी लग रही है तो इसके कई कारण हो सकते हैं. शायद आप एसी के नीचे बैठे हुए हैं, शायद आपको खांसी, आपको बीमार हो, आपको बुखार आ गया है, शायद बाहर का टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो गया है और आपको ये वातावरण अनुकूल नहीं है. तो हर चीज़ का अलग अलग, अभी कई एक्सप्लेनेशन, तीनों एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, वो बीमार भी हो सकते हो, आप एसी के नीचे भी बैठे हो, और तीनों भी हो सकते हैं जी. तो क्या है, कौन सा एक्सप्लेनेशन राइट है उस समय के लिए वो देखना है. तो कैसे हो गया, अभी देखिए साइंस की शुरुआत जब हुई थी, न्यूटन के ऊपर वो एक एप्पल गिर गया था, उसके सिर के ऊपर एप्पल गिर गया था. तो जब वो एप्पल गिरा तो वो क्यों गिरा, वो उसका एक्सप्लेनेशन जब न्यूटन ढूंढ रहा था, तो अभी न्यूटन भगवान को माना करते थे. पर जब वो एप्पल गया तो उन्होंने सोचा एप्पल क्यों गिरा, भगवान ने गिराया, ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था उनको. उनको क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि मैकेनिकली कैसे हुआ ये. तो एक है मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन और एक कह सकते हैं हम अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन या स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन. तो यह है, तो उन्होंने मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढते ढूंढते उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला जी. तो अभी क्या है, दोनों तरह से जो है विज्ञान की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से या धर्म की दृष्टि से, दोनों तरह से ओवर रीच हो सकता है, अपने दायरे के परे जा सकते हैं. मतलब क्या है, विज्ञान कह सकता है कि मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ही अकेला एक्सप्लेनेशन है और कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं जी. और धर्म कह सकता है कि स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन ही अकेला एक्सप्लेनेशन, कोई मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं. तो कई बार जब ऐसे होता है तो जो लोग वैज्ञानिक होते हैं, अगर उनका अनुभव जो ऐसे धार्मिक लोगों से होता है जो मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन की ओर ध्यान देते ही नहीं है, बस सब कुछ जो हुआ भगवान ने किया. ऐसे नहीं, अभी हमारे शास्त्रों में भी आयुर्वेद आता है, और आयुर्वेद में अगर किसका पेट बिगड़ गया तो वो नहीं कहता है कि भगवान तुमसे नाराज़ हो गए इसलिए पेट बिगड़ गया. नहीं, वो देखते हैं एक मैकेनिकल कारण क्या है, क्या कफ वात पित्त का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, तो आप ये करो उसके, और उसके सोल्यूशन भी क्या होता है, मैकेनिकल सोल्यूशन होता है, ठीक है आप ये जो दवाई है ये खाओ, इससे आपका कफ, आपका वात कम हो जाएगा, जो भी है. तो क्या है कि जब धर्म जो है मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन को सफिशिएंट जोर नहीं देता है, तो सफिशिएंट महत्व नहीं देता है, तो दैट जो धर्म है वो अंधश्रद्धा क्यों जाने लगता है, जो भी जिसने भी बोला वैसे होने लगता है, सब कुछ कहते हैं इसने इस पे, इसके सिर पे हाथ लगा दिया उसकी बीमारी चली गई, इसने ये किया वो हो गया. तो इस तरह से जब
जो थोड़े बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो लगते हैं कि ये धार्मिक लोग ऐसे अंदर किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेते जी, तो मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी जो धर्म है उसमें भी काफ़ी फिलॉसफी है, तो अगर वो फिलॉसफी प्रॉपरली प्रेजेंट होती है जी, तो फिर लोग देख सकते कि ओके मैं मेरे बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उनकी दृष्टि में क्या होता है, बुद्धि का इस्तेमाल विज्ञान में हो रहा है पर धर्म में क्या है, सिर्फ रीति रिवाज है, ये करो वो मत करो, ये यहाँ जाओ ये करो, सिर्फ उनको नियम है रीति रिवाज है उनको लगता है। पर जो अगर धर्म में तत्वज्ञान है वह अगर दिखाते हैं तो काफ़ी फायदा होता है। तो स्पिरिचुअलिटी है उसमें दो पार्ट्स है, एक है फिलॉसफी और दूसरा है रिलीजन, और एक तरह से साइंस जो होता है उसमें होती है थियोरी और एक्सपेरिमेंट, ये उसके समान ही है। साइंस में जो थियोरी है वो फिलॉसफी के समान है और साइंस में जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलीजन के समान है। तो लोग अगर सिर्फ रिलीजन देखते हैं और जो रिलीजन कर रहे हैं जो धर्म कर रहे रीति रिवाज कर रहे हैं उनको तत्वज्ञान पता नहीं है, तो उनको लगता है ये केवल जो है लोग जो है कोई उनको कुछ बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं उनको, तो इसीलिए लोग ऐसा सोचते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी अभी भी आजकल के समाज में भी बहुत से लोग हैं खास करके न्यूरो साइंस के फील्ड में जो लोग बहुत ही साइंटिफिक है और वो देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है इट इज़ नॉट रिड्यूसिबल टू मटेरियल फेनोमेना। तो कॉन्शियसनेस कुछ कुछ जो दिमाग है उसके परे ब्रेन के परे कुछ तो भी है, और लॉट ऑफ पीपल आर ओपन टू दैट ऑल्सो। जी जो आप ये आपका जो इनिशिएटिव था स्पिरिचुअल साइंटिस्ट दैट इज़ द नीड ऑफ टाइम, बिकॉज किस तरीके से रिलीजन और फिलॉसफी को कनेक्ट करके दिखाया जाए, इट्स नॉट ए मैकेनिकल, इट्स नॉट ए ऊपर से लोग करने वाली चीज़ नहीं है, उसको समझाने वाले टीचर्स जो आप स्टार्टिंग बता रहे थे कि योर पर्पज़ ऑफ ज्वाइनिंग इस्कॉन, सो दैट इज़ मैं अभी रिकनेक्ट कर पा रहा हूँ जो आप स्टार्टिंग में बता रहे थे अभी। सो इट्स द डायर नीड ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऐसे टीचर्स बहुत कम है, बिकॉज हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम से निकल के आ रहे हैं हमें लगता है कि ये धर्म वर्म भक्ति ये सब बाहर की चीज़ें हैं या इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं दिमाग लगाने की चीज़ें हैं या आउटडेटेड हो चुकी हैं चीज़ें, बट जब हम आप जैसे लोगों से सुनते हैं या प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ते हैं ऐसे सीनियर या सेल्फ रियलाइज लोगों से सुनते हैं तो हमारा भी कन्विक्शन बढ़ता है। सो यस दैट इज़ वन ऑफ आर, ये बहुत जिम्मेदारी है। आपने पहले सवाल पूछा था कि पाश्चात्य देशों में लोग क्रेडिट ले रहे हैं पर जो यहाँ से भारत से आए उसमें भारत को क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका एक कारण है कि भारत के अधिकांश जो बुद्धिमान लोग हैं वह दे डोंट सी रिलीजन एज अ इंटेलेक्चुअल परस्यूट, धर्म को एक बौद्धिक स्तर पे वो नहीं देखते हैं। मतलब क्या है कि अगर भारत इंडियंस आर द मोस्ट सक्सेसफुल माइनॉरिटी इन द वेस्ट इन अमेरिका, भारतीय लोग बहुत यशस्वी है प्रोफेशन में करियर में वगैरह, पर वो जो है अधिकांश रूप से वो इंजीनियरिंग या मेडिसिन या फिर होटल बिजनेस ऐसे एरिया में जाते हैं। पर बहुत कम अभी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदू स्टडीज़ था और लगभग फाइंडिंग होने के 15 साल तक उसमें एक भी हिंदू नहीं था, कोई आने को ही तैयार नहीं था, इसमें कुछ करियर नहीं है। और एकेडमी छोड़ दो पर जो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना है जो जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था जी। जो ब्राह्मण लोग वो केवल एक जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, वो उनकी वृत्ति से उनके बुद्धि का जो आध्यात्म की और तत्वज्ञान की जो रुचि है उसके द्वारा होते हैं वो जी। तो उस प्रकार के लोग जो है जो ब्राह्मण थे वो जो प्रीस्ट से जो रीति रिवाज करने वाले हैं वह अभी तक बहुत बचे हुए हैं, पर जो ब्राह्मण जो स्कॉलर्स जो विद्वान थे वो बहुत कम है जी। और वो जो विद्वान थे वो अलग अलग फील्ड में अपनी विद्वता दिखा रहे हैं पर आध्यात्म में या धर्म में नहीं दिखा रहे, तो उसको भी रिस्टोर करना ज़रूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी जब उन्होंने कृष्ण भावना आंदोलन का स्थापना की वो कहे कि द टेम्पल शुड बी अ सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, जो मंदिर जो है केवल एक भगवान की पूजा के लिए नहीं है, भगवान की पूजा महत्वपूर्ण है पर उससे हमें शिक्षण होना चाहिए। तो ब्राह्मणों का दो रोल था, एक है प्रीस्ट्स और यह अभी तक चालू है भारत में काफ़ी हद तक है, पर जो स्कॉलर्स है स्कॉलर्स भी कैसे मतलब सिर्फ बहुत कुछ लोग पता है बहुत से जान सकता है उसको, स्कॉलर जो आज के लोगों को समझा सके एग्जैक्टली। तो अगर ये एक तरह से ये जो है प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का कंट्रीब्यूशन रहा है कि इस प्रकार से हम
आध्यात्म को समझा सके जी, ये जो होगा तो फिर डेफिनेटली लोगों में बहुत स्कोप है कि उसे समझाने की रुचि है, लोगों में ओपननेस है जी। हरे कृष्णा दोस्तों, आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट जरूर अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स क्या लगी इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर, और आप इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग भगवद्गीता के मैसेज को अप्लाई कर सकें, इसके ऊपर फेथ बढ़ा सकें। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पॉडकास्ट को, कंटेंट को हम और आगे बनाते रहें, तो आप हमें प्लीज़ अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में जरूर दें ताकि इस कार्य को हम जारी रख सकें। और अगले हफ्ते आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म भी हम लेकर आने वाले हैं। दैट्स व्हाई प्लीज़ कीप वॉचिंग टू शिक्षार्थकम एंड काइंडली सपोर्ट अस। हरे कृष्णा।